चला बस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। और अभी मैं उठ चुका हूँ और जया अभी उठी नहीं है, अभी भी बैठे बैठे सो रही है, अभी उठी नहीं है। देखो कैसे नींद ले रही है बैठे बैठे भी। जया, और इधर बैठे हैं हमारे गणेश जी, ये रहे। हाय गणेश जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं कहाँ पे? आज हम जाएंगे इंदौर के चिड़ियाघर। और आज पानी भी बंद है, तो सोचा क्यों नहीं आज कहीं घूमने चला जाए। तो मैंने सोचा आज बाहर का ब्लॉग बनाते हैं, तो चलते हैं। अभी नहा धो के रेडी होते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं चिड़ियाघर, और अभी गणेश जी की आरती भी करनी है, तो आरती करने के बाद चलते हैं चिड़ियाघर। तो गाइस, मैं अभी पी रहा हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं जाऊँगा सीधा नहाने, और नहाने के बाद रेडी होकर फिर निकलते हैं। तो आज हम पहनने वाले हैं मैचिंग की शर्ट, जया और हम दोनों। तो जया बना रही है खाना, और अभी आटा मस रही है। आटा मसने के बाद फिर हम लोग आरती करने जाएंगे गणेश जी की। यहाँ पर अर्पित जी कर रहे हैं बालों को ड्राई, और अब हम करते हैं पूजा। पूजा चल रही है, पूजा करने के बाद हम आरती करेंगे। सभी लोग आ चुके हैं, हम पूजा कर रहे हैं, और अब हम आरती स्टार्ट करते हैं। यहाँ अर्पित जी कर रहे हैं आरती। सो गाइस, हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और आज हमने दोनों ने मैचिंग के कपड़े पहने हैं। तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम निकल रहे हैं अब चिड़ियाघर के लिए, तो चलते हैं अब आगे की ओर। हम निकल चुके हैं बाहर की ओर, और हम पलासिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आई लव इंदौर लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी लोगों को भी दिखाया जाए। चलो गाइस, चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं चिड़ियाघर के गेट पे, और टिकट हमने ले ली है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो जया जा रही है, और यहाँ पे टिकट को स्कैन किया जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे अंदर की ओर। जया, तो हम आ गए हैं। तो गाइस, चिड़ियाघर में घूमने का बहुत मन कर रहा था, तो हम आज आ गए, और बहुत यहाँ पे तरह तरह के जानवर पशु पक्षी देखने को मिलेंगे आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। तो कैसा लग रहा है जया यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी धूप तेज है अभी। आज क्या है, बारिश बंद है, और आज धूप बहुत तेज निकल रही है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको तरह तरह के जानवर। बिल्कुल, ये है तो जो कि अभी अभी बनाई गई है, पहले नहीं थी ये यहाँ पे, ये अभी बनाई गई है। आओ जया। तो गाइस, मेरे पीछे है पक्षी विहार, आप देख रहे हो। यहाँ की टिकट है 30 रुपये। यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया है जो इसके अंदर हैं। गाइस, ये है कांचघर। यहाँ पे हम छोटे बड़े मोटे उल्टे सीधे जैसे कांच के सामने जाएंगे उस तरीके से हम देखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। और हम दोनों लंबे दिखाई दे रहे हैं, देखो इस वाले कांच में हम छोटे और मोटे दिखाई दे रहे हैं, आप तीसरे वाले कांच में देखते हैं यहाँ पे उल्टे दिखाई दे रहे हैं दोनों ओर से। यहाँ पर नॉर्मल है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हैं हम। यहाँ पे तो ओनली शेर और मुंडी तो दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे हम इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे। यहाँ पे भी हम
पतले पतले दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये कैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये है पूरा कांच का घर, कांच घर। ये है गाइस ईमू, इसको ईमू बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईमू। इनके पे इनकी काफ़ी ऊंचाई रहती है, चोंच इनकी कैसी बड़ी बड़ी है देखो आप। ये छोटे छोटे बंदर किस तरीके से कुदक रहे हैं। यहाँ के जानवरों के लिए आ चुका है यहाँ पर खाना। गाइस मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ये है सांपों का घर, इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं। इसकी टिकट है 5 रुपये पर पर्सन, तो आइए इसके अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अब सांपों के घर, सांप के घर के अंदर। यहाँ पे तरह तरह के सांप मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको सांप। कोबरा, यहाँ पर है मगर, और ऐसे पड़ी हुई है कि मरी हुई होगी लेकिन ये सारी जिंदा है। छोटी छोटी किसी, कोई बच्चे भी है कोई बड़ी भी है। और यहाँ पर गाइस ना पैदल नहीं चला जाता, जिससे उसके लिए गाड़ी अवेलेबल है इस टाइप की। आप 35 रुपये किराए में आप पूरा घूम सकते हैं। ये है बड़े बड़े मगरमच्छ जो कि पानी में पड़े हुए हैं। ये कितना बड़ा मगरमच्छ है, आराम से सो रहा है। सफेद मोर, इसको जया के ऊपर बिठा दो। तो गाइस चिड़ियाघर घूमने में बहुत मजा आ रहा है, तो जया से पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, भूख भी लग गई है। अब भूख लग रही है तो अब कुछ खाते हैं। आगे बहुत सारी चाट की शॉपें आएंगी, तो वहाँ पे हम रुक के कुछ खाते हैं। सो गाइस बहुत तेज मेरे पैर दुखने लगे हैं और अब मैं थक चुकी हूँ बहुत। मतलब कितना होगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा ना ये। हाँ, 1.5 किलोमीटर के समथिंग हम चल चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदरता है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य एकदम। बिल्कुल, धूप भी चली गई है अब तो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वैसे। और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी आइए कभी चिड़ियाघर, आदि इंदौर आए हो तो चिड़ियाघर जरूर आइए, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आसपास में चिड़ियाघर होगा तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप लोग भी जाइए वहाँ पे। अर्पित जी क्या खिलाने वाले हो आप? देखते हैं क्या खाएंगे, या तो पानी पूरी खाएंगे या फिर चाट। चलो देखते हैं, अभी तो शायद कुछ समय है आने को, रेस्टोरेंट वगैरह है शायद यहाँ, तो देखते हैं। चलो चलते हैं। तो हमें दिख गया है झूला और हम जाएंगे झूला झूलने। तो पहले कौन झूलेगा? मैं। पहले जया झूलेगी, तो चलते हैं झूले और झूलते हैं। अर्पित जी ले रहे हैं झूलों को फुल मजे, और मुझे तो खैर इस पे करना आया नहीं। चलो देखते हैं आता या नहीं। सीधे चला उसको। चला बस। अर्पित जी बंदरों की तरह चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, और देखते हैं चढ़ पाएंगे या नहीं। फटाफट चढ़ गए ये तो, और अब उतरने की बारी। ओहो उतर भी गए। तो गाइस झूला झूलने के बाद में, झूला झूलने के बाद बहुत मज़ा आ गया है और अब बहुत थक गए हैं। अब कुछ खाने के लिए लगेगा, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे सो रहे हैं 3-3 टाइगर। फाइनली फूड जोन आ गया है, और यहाँ पर टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है, टोकन ले लिया है। और यहाँ अर्पित जी अब बैठ के आराम से खा रहे हैं। अर्पित जी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही खाना स्टार्ट किया। तो गाइस पेटिस खा लिया हमने और बहुत टेस्टी था, अब थोड़ा सा पेट भरा गया है। तो अब हम होने वाले हैं थोड़ी देर में एग्जिट, और फिर चलते हैं घर। तो गाइस फिर से धूप बहुत तेज आ चुकी है, मन कर रहा है कि कहीं लेट जाओ, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। गाइस प्लीज भगवान जी थोड़ी सी छांव दे दो।
और अब हम चलते हैं, सारी जगह घूम लिए, अब हम चलते हैं घर की ओर। नहीं, घर नहीं जाएंगे गाइस, अभी मैं आपको और कुछ दिखाऊंगी। ये तो इनको तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ जाना है वहीं घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। गाइस रुको तो जरा, यहाँ चल रहे हैं झरने और इतना प्यारा नज़ारा है गाइस, मौसम इतना अच्छा हो रहा है और ये ना चिड़ियाघर के बाहर का नज़ारा और इतना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि ठीक है, अगर आप इंदौर हो तो ज़रूर आइए। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर और अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वहाँ पे समथिंग 3-3.5 किलोमीटर हम टोटल चल लिए हैं तो अर्पित जी के पैर बहुत दुख रहे थे, अर्पित जी बैठ गए, आराम से लेट गए हैं और हम घर पहुँच गए। वीडियो कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी के साथ टाटा बाय बाय, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अगले ब्लॉग का इंतजार करिए। हाँ।